इतना टाइम भी आएगा का अपकमिंग ट्रैक अब रानी का बहुत बड़ा फैसला लेकर आने वाला है। जब रानी को ये बात पता चलेगी कि वीर और कियारा ने शादी कर ली है तो उसका दिल तो टूटेगा, लेकिन रानी एक मजबूत लड़की की तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ेगी और कियारा का गृह प्रवेश करवाएगी। जी हाँ, आंखों में आंसू लिए और दिल में बहुत सारा दर्द लिए रानी वीर से कहने वाली है कि जो कुछ भी डॉक्टर साहब आपने किया है सोच समझ कर ही किया होगा, किसी वजह से ही किया होगा, इसीलिए मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे आपका और कियारा जी का ये रिश्ता मंजूर है। शायद आपकी खुशी मेरे साथ नहीं थी इसीलिए आपने कियारा जी से शादी कर ली, और फिर ऊपर से रानी और वीर इन दोनों का स्टेटस भी तो मैच नहीं होता। वेल, यहाँ रानी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है और बाकी खड़े लोग इन दोनों की इस इमोशनल मोमेंट के, इन दोनों के बिछड़ने के इस पूरे दौर को देखकर बहुत खुश होने वाले हैं। वेल, वहीं आपको बता दें कि अब रानी खुद अपने हाथों से कियारा और वीर की आरती उतारने वाली है और कियारा का गृह प्रवेश करवाने वाली है। रानी कियारा को कंग्रेचुलेट करेगी राजावत परिवार की बहू और वीर की पत्नी बनने के लिए। वहीं वीर बिना किसी से कुछ भी किए आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में चला जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वीर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। वो तो रानी से इतना प्यार करता है, रानी के बिना रहना उसके लिए नामुमकिन है, तो फिर किस दबाव में आकर आखिर वीर ने ये सब कुछ किया। तो इंतज़ार रहेगा सीरियल अपना टाइम भी आएगा कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाले इस धमाकेदार एपिसोड को देखने का। रानी ने फैसला ले लिया है वीर और कियारा की शादी को एक्सेप्ट करने का और वीर की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाने का। तो क्या इतनी आसानी से वीर रानी को खुद से दूर कर देगा?